2019 के सितंबर महीने में यानी कि इस महीने में बहुत ज़्यादा फ़ोन आने वाले हैं, तो आज हम इसी फ़ोन्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा पहला फ़ोन है वीवो वी सेवनटीन की एक्सपेक्टेड डेट 27 सितंबर 2019 है, जिसमें 6.39 की स्क्रीन और IPS LCD डिस्प्ले मिलने वाली है। वीवो वी सेवनटीन में ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 675 का चिपसेट मिलने वाला है, जिसके साथ साथ हमें 6GB की रैम भी मिलने वाली है। इस साल के वीवो वी सेवनटीन में 4 कैमरा उसकी बड़ी हाईलाइट होगी, जिसमें से 24+8+5+2 मेगापिक्सल के 4 कैमरे को है, जिसमें LED फ्लैश भी होगी। और आगे की तरफ हमें 16 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के ड्यूल फ्रंट कैमरास मिलेंगे। बैटरी की बात करें तो हमें 4000mAh की फास्ट चार्जिंग करती हुई बैटरी मिलेगी, जिसमें USB Type-C होगा। वीवो वी सेवनटीन की एक्सपेक्टेड प्राइस 24990 होगी, यानी कि 25,000 के आसपास होगी। आज का हमारा दूसरा फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी A15s, जो सितंबर 11 को रिलीज़ होने वाला है। और सैमसंग गैलेक्सी A50 में 4GB की रैम, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर और सैमसंग का Exynos 9 का चिपसेट मिलने वाला है, जिसमें 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड स्क्रीन भी देखने को मिलेगी। और कैमरास की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A15s में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा और 48+8+5 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरे बैक साइड की तरफ मिलेंगे और LED फ्लैश भी होगा। बैटरी की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A15s में 4000mAh की फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C का सपोर्ट मिलेगा। आज का हमारा तीसरा फ़ोन है सैमसंग A13s, जिसमें 4GB की रैम, ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ साथ Exynos 9 का चिपसेट मिलने वाला है, जिसमें 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी होगी। सैमसंग गैलेक्सी 13s की एक्सपेक्टेड रिलीज डेट 18 सितंबर 2019 के आसपास होगी। और कैमरा की बात करें तो सैमसंग के इस फ़ोन में आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, बैक साइड 48+8+5 मेगापिक्सल के 3 कैमरे LED फ्लैश के साथ होगी। और बैटरी की बात करें तो सैमसंग के इस फ़ोन में 6000mAh की बैटरी फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C के साथ होगी। इसकी प्राइस की हम बात करें तो ये फ़ोन 19,000 के आसपास मिलेगा। आज का हमारा चौथा फ़ोन है होनर का 9X, जिसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट 25 सितंबर के आसपास होगी, जिस जो 14,190 रुपये के आसपास मिलेगा। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 4GB की रैम, ऑक्टा कोर प्रोसेसर जिसमें हाई सिलिकॉन किरिन का चिपसेट होगा। कैमरा की बात करें तो होनर के इस फ़ोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा, जिसमें बैक साइड 48+2 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा होगी, वो भी LED फ्लैश के साथ। बैटरी की बात करें तो ओनर की इस फ़ोन में 4000mAh की बैटरी मिलेगी, जो USB Type-C को सपोर्ट करेगी। इसी के साथ साथ सितंबर 2019 में कई ज़्यादा फ़ोन रिलीज़ होने वाले हैं, जो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। अगर ASUS ROG फ़ोन 2 की डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन और प्राइस चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फ्यूचर में आने वाली कई चीज़ों के बारे में पहले से ही जानने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। See you soon.